नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर सीरीज चल रही है और यह सीरीज संख्या 19 है। मित्रों, यह वन लाइनर सीरीज है, एंशियंट हिस्ट्री, मिडिल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री से संबंधित प्रश्न है इसमें, और यह झारखंड पीजीटी इतिहास के लिए बहुत ही रामबाण सीरीज चल रही है। तो आइए शुरुआत करते हैं, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइएगा और सभी वीडियो को देखिएगा। ये जो 5500 क्वेश्चन की सीरीज है, 5500 क्वेश्चन हैं इसमें, और यह जो क्वेश्चन की सीरीज है इसका जो प्राइस है 250 है। यह पूरी पीडीएफ आप लोग ले सकते हैं, हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर मैसेज कर लीजिएगा। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, ऊपर भी शो हो रहा है, डिस्क्रिप्शन में भी है। हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, आप लोग को यह पीडीएफ प्रोवाइड करा दूंगा। ₹250 है। एंशियंट हिस्ट्री, मिडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित प्रश्न है, और ये सभी झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के प्रश्न है, तो बहुत ही बेहतरीन जबरदस्त तैयारी आपकी हो जाएगी। ठीक है, आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न 851 देखिएगा, जिस समय भारत को आजादी मिली उस समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? क्लीमेंट एटली थे। देखिए, सब चुनिंदा प्रश्न मैं आप लोग को दे रहा हूँ, कई सारी सार्वजनिक बोधों में पुस्तकों का विश्लेषण करने के बाद यह सब सारी सीरीज तैयार की गई है। प्रश्न 852 देखिएगा, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली किस पार्टी से थे? तो यह किस पार्टी से थे? लेबर पार्टी से थे, लेबर पार्टी से। प्रश्न 853, भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने वाले किस शख्स की हत्या हुई थी? तो भगत सिंह के विरुद्ध मुखबिरी करने वाले कौन थे? फणिंद्र घोष। प्रश्न 854, फणिंद्र घोष की हत्या किसने की थी? तो बैकुंठ शुक्ल क्रांतिकारी थे, इन्होंने किया था। प्रश्न 855, हरिजन सेवक संघ को किसने स्थापित किया था? महात्मा गांधी ने, महात्मा गांधी ने। प्रश्न 856, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? घनश्याम दास बिरला, यह हरिजन सेवक संघ के संस्थापक थे। प्रश्न 857 देखिएगा, गांधी जी ने कांग्रेस की सदस्यता से कितनी बार इस्तीफा दिया है? दो बार, 1925 में इस्तीफा दिया है और 1930 में इस्तीफा दिया है, दो बार महात्मा गांधी ने कांग्रेस की सदस्यता से इस्तीफा दिया है। प्रश्न 858, बांटो और छोड़ो का नारा किसने दिया था? मुस्लिम लीग ने नारा दिया था, बांटो और छोड़ो। प्रश्न 859 देखिएगा, किस अधिवेशन में बांटो और छोड़ो का नारा मुस्लिम लीग ने दिया था? कराची अधिवेशन, जो दिसंबर 1943 में हुआ था, उसमें मुस्लिम लीग का यह नारा था, बांटो और छोड़ो। प्रश्न 860 देखिएगा, कांग्रेस का प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष कौन था? जॉर्ज यूले, जॉर्ज यूले कांग्रेस के प्रथम ब्रिटिश अध्यक्ष थे। प्रश्न 861, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, ये कथन किसके थे? महात्मा गांधी के कथन थे ये। प्रश्न 862 देखिएगा, भारत को आज़ादी कब मिली थी? 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी मिली थी, 15 अगस्त 1947 को। प्रश्न 1499 देखिएगा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी? तो 1599 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है। प्रश्न 1500, शुक्रचकिया मिशल के प्रधान कौन थे? रणजीत सिंह, शुक्रचकिया मिशल के प्रधान रणजीत सिंह ने किस वर्ष लाहौर पर कब्जा किया था? तो 1799 में। 1501 देखिएगा, ब्रिटेन की हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने किस अंग्रेज अधिकारी को ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा है? तो जनरल डायर को, इसे ब्रिटिश साम्राज्य का सिर कहा है हाउस ऑफ लॉर्ड्स ने, बताइए। इन्हें जघन्य अपराधी को, इसने हजारों लोगों का नरसंहार किया उसे। 1502 देखिएगा, महात्मा गांधी के प्रिय भजन बैसड़ो जन तो तेने कहिए रचयिता कौन है? नरसिंह मेहता है। ये सभी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखिए, ये महात्मा गांधी का प्रिय भजन था, बैसड़ो जन तो तेने कहिए, नरसिंह मेहता का है। 1503 देखिएगा, राष्ट्रकूटों के शासनकाल में साम्राज्य के प्रशासन के विभाग का सही क्रम क्या है? राष्ट्र, विषय और भुक्ति। 1504 देखिएगा, 1921 में प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी? प्रेस इंक्वायरी कमेटी किसकी अध्यक्षता में नियुक्त की गई थी 1921 में? तो तेज बहादुर शत्रु की, ठीक है। 1505 देखिएगा, 1931 में कराची अधिवेशन की अध्यक्षता किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने। 1506 देखिएगा, कैबिनेट मिशन प्लान अपने प्रस्ताव कब रखे गए थे? कैबिनेट मिशन योजना ने अपने प्रस्ताव कब रखे थे? तो 1946 में इन्होंने कैबिनेट मिशन योजना ने अपने प्रस्ताव रखे थे 1946 में।
1507 देखिएगा, मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था, तो 1909 में मार्ले मिंटो सुधार बिल जो पारित हुआ था 1909 में पारित हुआ था। प्रश्न 1508, मोपिला विद्रोह कब हुआ था, तो 1921 में मोपिला विद्रोह होता है। प्रश्न 1509, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की, सर सैयद अहमद खान ने। 1510 देखिएगा, अभिनव भारत नामक अंग्रेज विरोधी संगठन की स्थापना किसने किया, विनायक दामोदर सावरकर ने। 1511, इंडिया डिवाइडेड नामक पुस्तक के लेखक कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 1512 देखिएगा, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित कर देने का मुख्य कारण क्या था, आंदोलन का हिंसात्मक हो जाना। ठीक है, प्रश्न 1513 देखिएगा, टीपू सुल्तान ने अंग्रेजों के साथ युद्ध करते हुए कब वीरगति को प्राप्त किया था, टीपू सुल्तान, तो 1799 में टीपू सुल्तान वीरगति को प्राप्त कर लेता है। 1514 देखिएगा, टीपू सुल्तान ने किस क्लब की सदस्यता प्राप्त कर श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा था, जेकोबिन क्लब। 1515 देखिएगा, दादाभाई नौरोजी ने अंग्रेजों को किस नीति को अनिष्टों का अनिष्ट कहा था, भारत से धन निष्कासन की नीति को। 1516, किस क्रांतिकारी को उनके साथी क्विक सिल्वर कहा करते थे, तो क्विक सिल्वर किसे कहा जाता था, क्रांतिकारी साथी किसे कहते थे क्विक सिल्वर, चंद्रशेखर आजाद, अमर शहीद चंद्रशेखर आजाद को। 1517 देखिएगा, किस उग्रवादी नेता ने उग्रवादियों के संबंध में कहा था, यदि हम साल में एक बार मेढकों की तरह टर टर करके चुप होते हैं तो हमें कभी अपने प्रयासों में सफलता नहीं मिलेगी, किसने कहा था, बाल गंगाधर तिलक ने। 1518 देखिएगा, आगरा और फतेहपुर सिकरी दोनों ही लंदन से बड़े हैं, यह कथन किसका है, रॉल्फ फिच का, रॉल्फ फिच ने यह बातें कही थी। 1519 भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान सिंध में स्वराज से नाका गठन किया लिया गया था, यह संगठन किसके नेतृत्व में बना था, अब्दुल बाकर के नेतृत्व में। प्रश्न 863 देखिएगा, भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम शासक मोहम्मद बिन कासिम, वह कहां से आया था, अरब से आया था, उसने भारत के किस क्षेत्र पर हमला किया था, 712 में किया था, पश्चिम उत्तर भारत पर। प्रश्न 866 देखिएगा, मोहम्मद बिन कासिम के आक्रमण के समय सिंध का शासक कौन था, दाहिर। प्रश्न 867, मोहम्मद बिन कासिम ने कौन से क्षेत्र जीते थे, सिंध एवं मुल्तान, सिंध और मुल्तान मोहम्मद बिन कासिम ने जीते थे। प्रश्न 868 देखिएगा, भारत पर पहला तुर्की आक्रमण किसने किया था, 986 में गजनी के सुबुद्दीन ने, 986 में गजनी के सुबुद्दीन ने किया था। प्रश्न 869, मोहम्मद गजनवी किसका पुत्र था, सुबुद्दीन का पुत्र था मोहम्मद गजनवी। प्रश्न 870, मोहम्मद गजनवी गजनी का शासक किस वर्ष बना था, 998 ईस्वी में। प्रश्न 871 देखिएगा, मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था, तो 17 बार आक्रमण किया था, 1001 से लेकर 1027 तक कुल 17 बार आक्रमण हुए थे। प्रश्न 872 देखिएगा, 1001 ईस्वी में गजनवी की आक्रमण का सामना किस हिंदू शाही वंश के शासक ने किया था, तो जयपाल ने किया था। प्रश्न 873, गजनवी ने मुल्तान पर हमला कब बोला था, 1006 में गजनवी ने मुल्तान पर हमला बोला था, 1006 में। प्रश्न 874 देखिएगा, जब गजनवी ने मुल्तान पर आक्रमण किया तब मुल्तान का शासक कौन था, अब्दुल फतह दाऊद मुल्तान का शासक था। प्रश्न 875, मोहम्मद गजनवी जब 1009 ईस्वी में पेशावर पर हमला किया उस समय वहां का शासक कौन था, आनंदपाल उस समय पेशावर का शासक था आनंदपाल। प्रश्न 876, सोमनाथ पर किसने आक्रमण किया था, मोहम्मद गजनवी ने कब, 1025 में। प्रश्न 877, मोहम्मद गजनवी ने अंतिम हमला किसके लिए किया, किसके विरुद्ध किया था, जाटों के विद्रोह को दबाने के लिए किया था। अगर आप लोग को लग रहा है मेरी पढ़ाने की जो स्पीड है बहुत हाई है, तो आप यूट्यूब पर सुविधा है, आप हमारी स्पीड को घटा और बढ़ा सकते हैं। प्रश्न 872 देखिएगा, भारत में तुर्की राज का संस्थापक किसे माना जाता है, मोहम्मद गौरी को। प्रश्न 879, मोहम्मद गौरी ने सबसे पहले भारत में कहां हमला किया था, तो मुल्तान में हमला किया था। प्रश्न 880 देखिएगा, 880 इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न है, मुल्तान पर आक्रमण के समय किस शासक के हाथों उसे हार का सामना करना पड़ा, तो गुजरात के शासक थे मूलराज, इनसे मोहम्मद गौरी हारा था। ठीक है, तो इनका नाम आप विशेष रूप से ध्यान में रखिएगा। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन करिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट भी जाइए,
झारखंड पीजीटी हिस्ट्री वन लाइनर के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, प्लेलिस्ट में जाइए, सभी वीडियो देखिएगा। और यह 5500 क्वेश्चन की जो सीरीज है, अगर आपको इसको चाहिए तो हमारे ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करिएगा, आपको मिल जाएगा। इसका जो प्राइस है 250 है, इसमें 5500 क्वेश्चन की जो सीरीज मिल जाएगी, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, वर्ल्ड हिस्ट्री संबंधित यह पूरी वन लाइनर सीरीज है जो झारखंड पीजीटी हिस्ट्री के लिए रामबाण है। धन्यवाद आप लोग।